हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7th साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 9th दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो हमारे बॉडी में डाइजेशन जो है कैसे होता है, कैसे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। राजू जो है स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट फूड वेरी फास्ट। तो अपना जो फूड है, ब्रेकफास्ट है, वो बहुत फास्ट जो है वो खा रहा था, एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, और उसको अच्छे से जो है प्रॉपरली उसको च्यू नहीं कर रहा था, चबा नहीं रहा था। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली बिफोर इनटेक। तो उसकी मदर ने उसको बोला कि इनटेक से पहले फूड को प्रॉपरली वो च्यू करे। कुड यू थिंक व्हाई डिड शी आस्क सो, लेट्स एक्सप्लोर। तो बेटा आप सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा कि अच्छे से चबाना चाहिए भोजन को, फूड को जो है अच्छे से फूड को इनटेक करने से पहले प्रॉपरली उसको च्यू करना चाहिए। तो आज हम इसी वर्कशीट में इस बारे में जानेंगे। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो बेटा फूड जो है वो बॉडी में जाता है किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो जो ये प्रोसेस है जिसे जो फूड है उसको बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम इंजेशन बोलते हैं। द फूड गेट ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ। और बेटा टीथ की हेल्प से जो फूड है वो छोटे छोटे पीसीज में क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड सो दैट इट हेल्प इन ईजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ताकि जो फूड है वो ईजिली उसको इंजेशन जो है उसको किया जा सके, यानी उसको बॉडी के अंदर ले जाया जा सके, इनटेक किया जा सके, और ईजिली उसका डाइजेशन हो सके। क्योंकि बेटा जो हमारा फूड होता है वो बहुत लार्ज पीसीज में हम खाते हैं, और उसको हम एज इट इज़ जो है लेकर जाएंगे तो वो जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए उसको ईजिली डाइजेस्ट करने के लिए उसको क्या किया जाता है, अच्छे से च्यू किया जाता है ताकि वो ईजिली जाके डाइजेस्ट हो जाए। आवर टीथ वेरी इन अपेयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो बेटा हमारे जो टीथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं अपेयरेंस में, और क्या है उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बेटा यहाँ पर हम अपनी टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया गया है इंसीजर्स। तो इंसीजर्स क्या है, ये वाले जो फ्रंट टीथ होते हैं टू, इनको बोलते हैं हम इंसीजर्स, ठीक है, विच हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग, ठीक है। सो दीज आर द कटिंग एंड बाइटिंग टीथ। जो भी हमें काटना होता है, बाइट करना होता है, तो वो हम इंसीजर से करते हैं। जैसे हम अगर एप्पल खा रहे हैं तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, बाइटिंग के लिए, कटिंग के लिए हम इंसीजर्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है केनाइन। तो जो केनाइन होते हैं दे हेल्प इन पायरसिंग एंड टीयरिंग टीथ, यानी जो फाड़ने का काम होता है, चीरने का काम होता है, वो कौन करते हैं, वो हमारे केनाइन करते हैं। सो अगर हम देखें तो बेटा ये वाले दो इधर और दो इधर, ठीक है, जॉ जो हमारा जॉ होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, तो अपर जॉ के अलग हैं, लोअर जॉ के अलग हैं। तो ये जो है इस तरह से दो इस तरफ, दो इस तरफ, ये क्या है, दीज आर केनाइन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रीमोलर। सो प्रीमोलर दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। सो चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कौन से होंगे, प्रीमोलर होंगे। सो दीज आर द प्रीमोलर्स, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, दीज आर द प्रीमोलर्स, ये वाले, ओके। सो दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। नेक्स्ट देखिए मोलर। सो मोलर दे आर द सेम एज प्रीमोलर, दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग। सो दीज ऑल्सो हेल्प इन द चूइंग एंड ग्राइंडिंग। सो दीज थ्री एंड दीज थ्री, दीज आर द मोलर टीथ एंड विच ऑल्सो हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। तो जो है ये चबाने के काम आते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे। अब देखिए बेटा इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इधर से टोटल जो टीथ हो गए, ये हो गए हमारे 8, और 8 जो है ये इधर से हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 16, ठीक है। यानी लोअर जॉ में भी 16 एंड अपर जॉ में भी कितने होते हैं, 16। तो टोटल हमारे टीथ कितने हो गए, टोटल हो गए 32 टीथ, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम करेंगे आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेटा हमारे माउथ के अंदर क्या होते हैं,
माउथ में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जिनसे सलाइवा सिक्रीट होता है, विच सिक्रीट सलाइवा। सो जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो फूड को, आप कह सकते हो फूड को इनटेक करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। सलाइवा क्या करता है, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। बेटा जो हमारा फूड है, जैसे राइस खाते हैं या हम और भी जो खाना खाते हैं, जो मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो सलाइवा है, सलाइवा क्या करता है, सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर में कन्वर्ट करता है। वी कैन एक्सपीरियंस इफ़ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम। तो अगर हम एक ब्रेड जो है उसको थोड़ी देर के लिए च्यू करते हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है, व्हेन सलाइवा गेट मिक्स प्रॉपरली इट टेस्ट स्वीटर। तो हमें कुछ देर बाद वो मीठा लगने लगता है। तो मीठा क्यों लगता है, क्योंकि देखिए ब्रेड के अंदर क्या है, ब्रेड के अंदर जो है वो क्या है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, और वो जो सलाइवा का साथ मिलकर किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में, और शुगर कैसी होती है, मीठी होती है, जिसके कारण वो हमें मीठा लगता है। सो लेट्स डू इट एट आवर होम। तो इसको हम आप जो है करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टंग, ठीक है, टंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। टंग कैसे हेल्प करती है, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। तो बेटा टंग जो है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ, इसमें बोन्स नहीं होती हैं। और ये कहाँ अटैच है, इट इज अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर। ये हमारी जो बक्कल कैविटी है ना, माउथ की जो अंदर तक कैविटी होती है, इसको कंप्लीट हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल कैविटी है उसके एंड पे बिल्कुल ही अटैच होती है, बिल्कुल नीचे, बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। एंड इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स, और इस पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और जिससे हमें डिफरेंट जो फूड का टेस्ट होता है उसका पता चलता है। ओके, तो हम आपने देखना कि हमारी जो टंग होती है उस पे छोटे छोटे ऐसे दाने दाने प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या है, दीज ऑल आर टेस्ट बर्ड्स, जिससे हमें डिफरेंट टेस्ट का पता चलता है। तो देखिए सबसे पहले स्वीट, स्वीट का हमारे हमें इस पोर्शन से पता चलता है। नेक्स्ट देखिए शॉर, खट्टा, तो इस जो शॉर थिंग्स हैं उनका हम टेस्ट यहाँ से कर पाते हैं। सॉल्टी थिंग्स का टेस्ट हम जो आगे वाला पोर्शन है हमारा इससे कर पाते हैं। एंड बिटर यानी कड़वा, तो कड़वा हम यहाँ से टेस्ट जो है, कड़वी चीज़ों का टेस्ट यहाँ से कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारी दिखाया गया है कि कहाँ से हम टंग के कौन से पार्ट से हम स्वीट, शोर, सॉल्टी और बटर का, सॉरी बिटर का जो है टेस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए डेंटल केयर गुड हैबिट। तो बेटा इसमें हम करेंगे कि हमें अपने जो टीथ हैं उनको क्लीन क्यों करना चाहिए। तो देखिए इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ, तो अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करेंगे, एंड माउथ, टीथ और माउथ को आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे माउथ में ग्रो कर जाएंगे। एंड दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं, हमारे टीथ के अंदर जो फंस जाती है ना फूड पार्टिकल्स, उनको क्या करते हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करते हैं, उनको खाते हैं एक तरह से, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो शुगर है उसको उसके ऊपर एक तरह से वो रिएक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है, उससे एसिड रिलीज होता है। ठीक है, और वो एसिड हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ओके, तो जो एसिड्स है वो हमारे लगातार जो टीथ हैं उनको ग्रेजुअली डैमेज करता रहता है। एंड दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके, और इसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके, डिके यानी ख़त्म होना, खराब होना। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टीथ को ब्रश से या दातुन से जो है दो बार, दिन में दो बार जरूर साफ करना चाहिए। एंड द माउथ आफ्टर, रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और बेटा खाना खाने के बाद हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए, अपने माउथ को रिंस करना चाहिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली व्हाइल ईटिंग। तो हमें खाने से पहले यानी जो है उसको इनटेक करने से पहले फूड को प्रॉपरली च्यू क्यों करना चाहिए। तो बेटा आइए करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, फूड शुड बी च्यूड प्रॉपरली व्हाइल ईटिंग एज इट हेल्प्स इन इंजेशन एंड डाइजेशन। सो फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए क्योंकि ये केस में हेल्प करता है, ये जो है इंजेशन और डाइजेशन जो है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ। तो हम अपने टीथ की जो है केयर कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ से बेटा आप आंसर लिखेंगे, वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सलाइवरी ग्लैंड, टंग, मोलर टीथ और सलाइवा। तो बेटा इन चारों के आपको फंक्शन लिखने हैं, कार्य लिखने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको ये फंक्शन लिखते हैं। तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे, आप ऑलरेडी इसको समझ चुके हो, ठीक है। तो देखिए फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सेकेंड है टंग, टंग हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोलर टीथ, मोलर टीथ हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, चबाने के और ग्राइंड करने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए सलाइवा, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।